हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब? आशा करती हूँ कि आप सभी अच्छे होंगे। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं। आज हम दिवाली स्पेशल में एक सिंपल सी, बहुत ही कम समय में बनने वाली मिठाई तैयार करेंगे, जिसके लिए न तो हमने किसी प्रकार की चाशनी तैयार की है, न ही किसी प्रकार का मावा यूज़ किया है। ओनली 3 चीज़ों से इतनी परफेक्ट, दानेदार, मुँह में गुंज जाने वाली मिठाई हमने तैयार की है। आप भी इस तरह की मिठाई इस दिवाली पर बनाना चाहते हो या किसी भी सिंपल अवसर पर बनाना चाहते हो, तो इस स्टेप को पूरा फॉलो कीजिएगा, तभी आपकी मिठाई उसी तरह बन पाएगी जिस तरह से आपको इस वीडियो में दिख रही है। तो चलो हम इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं। इस मिठाई को बनाने के लिए सबसे पहले हमने यहाँ पर छोटा सा बाउल लिया है। अब हम इसमें मिलाएंगे 3 टेबल स्पून जितना मिल्क, साथ में ही 2 टेबल स्पून जितना हम घी भी मिलाएंगे और इन दोनों को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। जो मैंने दूध लिया है वो रूम टेम्परेचर का लिया है, यह दूध ठंडा नहीं होना चाहिए। साथ में हम एक परात लेंगे और परात में हम मिलाएंगे बेसन। ये जो बेसन लिया है वो मोटा वाला बेसन है, यानी कोर्स बेसन जो होता है, वो जो हम बेसन के लड्डू बनाते हैं या मोहन थाल बनाते हैं, वो वाला ये बेसन यूज़ किया है। अब हम जो मिक्सचर हमने दूध और घी का तैयार किया था, हम धीरे धीरे इसमें डालेंगे और अच्छे से मसल लेंगे। मसलना हमें, जैसे मैं आपको बता रही हूँ, उसी तरह से बहुत ही हल्के हाथों से मसलना है। जो हम बर्फ़ी बनाने जा रहे हैं वो दानेदार बर्फ़ी है। हाँ, वो दानेदार बर्फ़ी इसी तरह के पैटर्न से, जिस तरह से मैं इसको मसल रही हूँ, उसी से वो दानेदार बर्फ़ी बन पाएगी। तो इस आटे को हमने मोयन डालने के बाद में बहुत ही हल्के हाथों से हमें इसको मसल के पूरे मिक्सचर को तैयार करना है। इसको मसलने में मुझे 5 से 6 मिनट लगे हैं। तो आप देख सकते हो यहाँ पर हमारा मिक्सचर ऑलमोस्ट बनके तैयार होने जा रहा है। आप इस रेसिपी की पूरी स्टेप को फॉलो कीजिएगा, एक भी मिस आउट हो गई तो ये बर्फ़ी जिस तरह से आप बनाना चाहते हो वैसे नहीं बन पाएगी। तो जो हम मिठाई बनाने जा रहे हैं, ये गुजरात की प्रख्यात स्वीट डिश है, इसको मगज बोलते हैं। इसको किस तरह से पारंपरिक रूप में बनाया जाता है वही आप सभी के साथ मैं शेयर कर रही हूँ। आप सभी देख सकते हैं हमारा मिक्सचर यहाँ पे बनके तैयार है। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि छलनी की सहायता से इसको छान लेंगे, ताकि इसमें बिल्कुल भी लम्ब्स नहीं आने चाहिए। तो यहाँ पर मैं छलनी की सहायता से इसको अच्छे से छान रही हूँ। आप देख सकते हैं कि ऊपर जो दाने आ रहे हैं वो पूरे लम्स थे, उसको हमने इसमें से निकाल लिया है। अब यहाँ पर हमारा दरदरा सा मिक्सचर तैयार हो गया है। हमें इस तरह का ही मिक्सचर इसमें चाहिए था। तो अब हम यहाँ पर क्या करेंगे कि एक पैन लेंगे। मैंने यहाँ पर गैस की जो फ्लेम है उसको मीडियम टू लो पर रखा है। साथ में मैंने 1 कप भर के इसमें घी यूज़ किया है। और जो हमने मिक्सचर तैयार किया था, थोड़ा सा घी गर्म होने के बाद में हम इसमें मिला देंगे और उसको अच्छे से भूनना है। उसकी फ्लेम को हम लो टू मीडियम ही रखना है। उसको पूरा भूनने में मुझे 5 से 10 मिनट लगे हैं। उसको बहुत ही अच्छे से भूनेंगे जब तक कि उसका गोल्डन ब्राउन कलर नहीं आ जाता है। अभी तो आपको लग रहा होगा कि एकदम सूखा सूखा सा है, पर जैसे जैसे वो भूनता जाएगा, वो जो पैन है वो घी छोड़ता जाएगा, तो एकदम से अपना मिक्सचर बनके तैयार होगा। आप देख सकते हैं उसका कलर भी चेंज होता जाएगा और यहाँ पर आपने देखा होगा कि जो घी है वो भी धीरे धीरे रिलीज़ हो रहा है। तो यहाँ पर इसका टेक्सचर भी थोड़ा सा चेंज हो गया है। अभी हमें और थोड़ा उसको भूनना है। यहाँ पे आप देख सकते हो घी ने अच्छे से उसको पैन को छोड़ दिया है और जो जो उसका टेक्सचर है वो भी एकदम दानेदार आ गया है। हम इसको 2-3 मिनट और भुनेंगे। अब यहाँ पर हमने इसको गैस बंद कर दिया है। अब हम इसको पैन में ही चलाते रहेंगे, क्योंकि पैन हमारा अभी गर्म है तो इसका कलर और भी अच्छा आ जाएगा। और उसको कंटिन्यूसली चलाना है, नहीं तो वो नीचे से जल सकता है। आप देख सकते हो बहुत ही अच्छा इसका टेक्सचर आ चुका है। हमें इसको पूरी तरह से ठंडा करना है, एकदम इसको हम इस मिक्सचर को ठंडा करेंगे। तो यहाँ पे देख सकते हो हमारा मिक्सचर अच्छे से ठंडा हो चुका है, बहुत ही अच्छे से ठंडा हो चुका है। एकदम ठंडा होगा इसके बाद में ही हम यहाँ पर जो शुगर है पिसी हुई उसको मिलाएंगे। हम इसको थोड़ी थोड़ी करके शुगर यहाँ पर मिलाएंगे। यहाँ पर हमने इसमें चाशनी नहीं मिलाई है, हम इसमें जो पिसी हुई शुगर है उससे ही हम इस मिठाई को तैयार करेंगे। इसको बनाना बिल्कुल आसान है, बस इसके सारे स्टेप्स को फॉलो करना बहुत ही ज़रूरी है।
तो यहाँ पर हमने थोड़ी थोड़ी करके शुगर इसमें मिलाई है। मैं इसमें थोड़ी सी शुगर और डाल रही हूँ। मैंने तकरीबन 5 टेबल स्पून जितनी शुगर डाली है, आपने देखी होगी थोड़ी और इसमें शुगर बच गई, यानी हमारे जो शुगर भी है वो भी बहुत ही कम इस स्वीट में यूज़ हुई है। ये स्वीट खाने में बहुत ही अच्छी लगती है, बहुत से लोग इसको लड्डू बनाते हैं, मैंने इसको बर्फ़ी के रूप में इसको तैयार किया है। तो यहाँ पर मैंने छोटा सा बाउल लिया है, उसमें मैंने लाइनर रखा है, उस पर घी लगा दिया है और जो ये अपना मगज़ है हम इसमें निकाल लेंगे। अब हम इसको थोड़ा सा टैप कर लेंगे ताकि इसमें एयर बबल बिल्कुल ना रहे। 10 मिनट के लिए अब हम फ्रिज में रख देंगे ताकि वो अच्छे से सेट हो जाए। 10 मिनट के बाद में देखा तो हमारी मिठाई यहाँ पर बनके तैयार है, वो अच्छे से जम गई है। आपने देखा ना दोस्तों, बहुत ही कम समय में बेसिक इंग्रेडिएंट्स के साथ में बहुत ही अच्छी मिठाई हम घर पर ही तैयार कर सकते हैं। इसमें न तो हमने किसी प्रकार का मावा यूज़ किया है, न ही किसी प्रकार की कोई चाशनी तैयार की है, न ही किसी प्रकार के कोई भी फ्लेवर ऐड किए हैं, न ही ड्राई फ्रूट्स ऐड किए हैं। सिंपल 3 चीज़ों से ही यह हमारी ऑथेंटिक मिठाई बनके तैयार हुई है। आप इस दिवाली पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा, ये खाने में बहुत ही मज़ेदार लगती है। तो अब हम यहाँ पर इसके छोटे छोटे पीस कर लेंगे। आप चाहो तो इसको डायमंड शेप भी दे सकते हो, मैं इसको बेसिक ही सिंपल सा ही उसको काट रही हूँ। वो आराम से कट रही है, बहुत ही इसका अच्छा सा टेक्सचर आया है। अंदर से भी मैं इसको आपको दिखा रही हूँ, वो दानेदार बनी है, बहुत ही अच्छी बनी है। तो आप भी इस दिवाली पर इसको ज़रूर ट्राई कीजिएगा। मेरी यह रेसिपी आप सभी को अच्छी लगी है तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब भी कीजिएगा। धन्यवाद।